खड़े हैं। चिराग जी, आप सभी लोग दिल्ली चले जाते हैं, विधायक हो, सांसद हो बिहार के, मुख्यमंत्री तो जाहिर है आंख दिखाने के लिए और जो भी चीज है, लालू जी भी आंख दिखाने ही गए थे। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं आप, आंख दिखाने गए थे, दिखा नहीं पाए। पर कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी करना, क्या लगता है चिराग जी, ये सवाल को सुन लिया जाए। हाँ हाँ बोल दीजिए। मतलब सभी लोग दिल्ली चले जाते हैं, चाहे वो आप हो, तेजस्वी हो, लालू जी हो, मांझी जी हो, जितने मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, और इसी बिहार की जनता की वोट से वहाँ बनते हैं, फिर दिल्ली में चले जाते हैं अपना सुख सुविधा के लिए, जो भी लोग, तो इस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं बाकियों के बारे में तो नहीं कह सकता, मैं अपनी बात जरूर बोलूंगा कि मैं आपके इस आरोप को कबूल करता हूं कि पिछले साल एक ऐसा गया, साल भर का समय जब मेरी मौजूदगी, देखिए आप सांसद हैं तो दिल्ली तो आपको जाना ही पड़ेगा, पार्लियामेंट खुलता है, कई तरीके के मंत्रालयों से आपको अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों के लिए आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मेरा पिछला कुछ समय थोड़ा ज़्यादा ज़रूर वहाँ पर बीत गया। उसका कारण, मेरे पिताजी एक लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मैं आज ईमानदारी से बोलूं, मैं अपने आप को उम्र भर कभी माफ़ नहीं करता। और मैंने एक पत्र भी उस वक्त, मैंने एक सार्वजनिक पत्र अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लिखा था, और उस वक्त पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी पर वो जीवित थे, और उस वक्त मैंने इस बात को लिखा था कि अगर आज मैं इस परिस्थिति में इनको छोड़कर मैं आया तो शायद कल को मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे कम से कम इस बात की संतुष्टि है कि पापा के उन आखिरी दिनों में, आखिरी घड़ियों में मैं उनके साथ रहा। उसके बाद आपने मेरा समर्पण पूरा बिहार के लिए देखा भाई, मतलब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस बात की कल्पना कर सकते हैं, पर बताइए, एक तरफ पिता की बॉडी भी अभी घर पर नहीं आई है और मैं चुनाव की तैयारियों में लग गया था, और वो एक महीना, मुझे बताइए ईमानदारी से, 8 अक्टूबर को पापा का निधन हुआ था, 9 तारीख से मैं डिजिटल माध्यम से, क्योंकि 10 दिन तक ज़रूरी होता है कि जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो मैं 10 दिन ज़रूर रहा, पर उसके बाद 20-21 तारीख से आप मुझे बताइए, मैं एक दिन में कहीं चुनाव में मैं कमज़ोर पड़ा, या मैं घर पर रुका, या मैं टूटा, या मैं परिवार को मैं संतावना देने के लिए मैं रहा। हाँ, उसके बाद मेरा, मेरी मम्मी के साथ रहना बहुत ज़रूरी था, मेरे परिवार के लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी था भाई, सबसे ज़्यादा उन लोगों ने खोया है। माई मदर वॉज मैरिड टू माई फादर फॉर द पास्ट 43 ईयर्स, तो मेरे लिए भाई, मैं उनकी उनकी दुख, उनकी वेदना को मैं समझ ही नहीं सकता। पर मैंने पूरा एक महीना उनके साथ नहीं बिताया था पापा के निधन के बाद, उनके साथ, अपनी सिस्टर के साथ, और उसके बाद जब मुझे वापस धन्यवाद यात्रा, ये यात्रा इससे पहले धन्यवाद यात्रा के नाम पर हम लोग मार्च में शुरू करने वाले थे, उस वक्त वापस से कोरोना हुआ और 6 हफ्ते मुझे टाइफाइड हो गया था मैं उसमें। बट बहरहाल, ये मैंने अपना पक्ष मैंने रखा, पर आने वाले समय में मुझे लगता है इतिहास अपने आप चुनेगा कि कौन सही में माटी का पुत्र है, कौन यहाँ पर रह कर यहाँ के लोगों का के लिए काम कर रहा है, कौन सही में यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। और मैं बार बार मैं दोहराता हूँ भैया, संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना है, मुझे कंफर्टेबल ही पॉलिटिक्स करनी होती या दिल्ली में ही रहना होता तो मैं आज मंत्री होता दिल्ली में। मुझे बस इतना करना था कि 15 जो सीटें दे रहे थे मुझे उस पर हामी भरनी थी, नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक होना था चाचा की तरह, अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा एक तरफ रखना था, 7 निश्चय की वाहवाही करनी थी और बोलना था कि यही मुख्यमंत्री हैं जिनके रहते हुए भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, जिनके रहते हुए अपराध नहीं हो सकता, ये सारी बातें करनी थी। 2 मंत्री मेरे बिहार में होते और मैं केंद्र में मंत्री होता और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, पर ये संघर्ष का रास्ता मैंने खुद ही चुना है, और अब जब चुना है तो इसीलिए चुन पाया हूँ क्योंकि संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ।